हेलो एवरीवन वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है ये मेन कैंपस है स्कूल बिल्डिंग है जो आप इमेज अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं स्कूल का ही बिल्डिंग है बाकी डिटेल आगे, आगे आपको स्क्रीनशॉट लेनी होगी न्यूज़पेपर पेपर एडवर्टीजमेंट है सात मई 2024 मेरी कोशिश होती है कि जो सेम डे जो एडवर्टीजमेंट है उसमें से कोई अच्छी वैकेंसी है तो वो आपके साथ वीडियोस बनाकर शेयर कर दूं तो सात मई 2024 को न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है उसकी इमेज आपके साथ शेयर की जा रही है एडवर्टीजमेंट की इमेज आप आगे स्क्रीन ले लें जॉब लोकेशन अगर सुटेबल है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं तो डेली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट सीटेट और टेट की जरूरत नहीं है एप्लीकेशन फीस भी नहीं है और डेली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल स्कूल का नाम है ऐसा नहीं है कि दिल्ली में है ये स्कूल का नाम है इसके भी कुछ ब्रांचेस जो हैं ऑल ओवर इंडिया आपको देखने को मिलेंगे अब यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डेली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल जमशेदपुर से वैकेंसीज है जमशेदपुर झारखंड स्टेट में है तो झारखंड राज्य में है जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है डिटेल्स देख सकते हैं सीबीएसई uh, एफिलियेटेड है सीबीएसई स्कूल है मोस्टली आजकल स्कूल सीबीएसई है वी आर हायरिंग इन्वाइट एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट तो इन्होंने अच्छे से क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मैंशन कर दिया है पीजी टी ऑल सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट है जो भी इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ाई होते हैं ग्यारहवीं बारहवीं जूनियर कॉलेज में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाई होते हैं उनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री किया है पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर है और बीएड है और साथ में तीन साल आपने कहीं पर पढ़ाया है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट ग्रेजुएट होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सिक्स टू टेन छठी क्लास से लेकर दसवीं क्लास तक में जितने भी ऑल सब्जेक्ट अभी आप कहेंगे कि संस्कृत भी है क्या तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं जो भी सब्जेक्ट है हिंदी संस्कृत इवन म्यूजिक वगैरह भी है तो अप्लाई कर सकते हैं मतलब स्कूल में जो भी विषय पढ़ाई होते हैं उन सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप स्नातक हैं ग्रेजुएट हैं रिलेटेड सब्जेक्ट में बीएड है और तीन साल आपने पढ़ाया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं रिसेप्शनिस्ट में फीमेल कैंडिडेट एनी ग्रेजुएट कोई भी ग्रेजुएट जो है ना महिला अभ्यर्थी रिसेप्शनिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और डांस आर्ट एंड क्राफ्ट पीजीटी के लिए डिप्लोमा या डिग्री है अगर आर्ट क्राफ्ट डांस म्यूजिक इन सब के लिए बीएड वगैरह की जरूरत नहीं होती है सीटेड टेट तो किसी भी पोस्ट के लिए नहीं मांगा गया ये प्राइवेट स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल नहीं है देखिए गवर्नमेंट की वैकेंसीज तो गिन चुन के आती हैं कभी कभी आती हैं तो उसकी वेट में पूरे साल तो नहीं बैठ सकते गवर्नमेंट की वैकेंसीज जब आती हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाई जाती है लेकिन कई कैंडिडेट अर्जेंट जॉब की रिक्वायरमेंट में होते हैं तो उनके लिए मैं कुछ वीडियोस और भी एक्स्ट्रा बना देती हूँ प्राइवेट स्कूल्स के जो अच्छे प्राइवेट स्कूल समझ आते हैं मुझे अगर आपने ऑलरेडी काम किया है यहाँ पर तो आप अपना एक्सपीरियंस सैलरी वाइज और वर्क एनवायरमेंट का जो एक्सपीरियंस है अपना शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जिससे दूसरे कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे उन्हें मदद मिलेगी चलिए अब देख लेते हैं अगर आपको जॉब लोकेशन जमशेदपुर जमशेदपुर तो बहुत अच्छी जगह है झारखंड में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रोसेस क्या है एप्लीकेशन का ये देख लेते हैं एड्रेस क्या है पहले देख लेते हैं एट एन एच थर्टी थ्री Uh, तुरिया बेरा पोस्ट ऑफिस भिलाई पहाड़ी एंड एमजीएम मैंगो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सिंहभूम तो ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में जिले में है जमशेदपुर इफ यू फील यू आर ए राइट कैंडिडेट टू ज्वाइन द टीम काइंडली सेंड यूर रेज्यूम एट ये जो इंग्लिश इज मैंडेटरी लिखते हैं ना इससे डरने की जरूरत नहीं होती है इंग्लिश क्या है बेसिक भी आपको थोड़ा आ रहा है बाद में जब आप काम करते हैं तो सभी स्कूल में ऐसे ही लिख देते हैं इंग्लिश इज मैंडेटरी तो जरूरी नहीं आप हिंदी मीडियम से भी पढ़े हैं आप हिंदी फिलहाल ज्यादा बोल लेते हैं इंग्लिश कम बोल पाते हैं बहुत कम बोल पाते हैं उससे डरना नहीं है आप अप्लाई करें जब आप काम करने लग जाते हैं तो दो से तीन महीने में आपकी इंग्लिश जो है ना बहुत अच्छी हो जाती है काम करते करते बाकी टीचर्स के साथ बातें करते बच्चों के साथ बातें करते तो इंग्लिश का फियर दिमाग में अगर रखेंगे तो आप जॉब कहीं पर भी अप्लाई कर नहीं पाएंगे तो सबसे पहले तो ये फियर दिमाग से निकाल दें कि हिंदी मीडियम से भी पढ़ाई की है हिंदी बोलना ज्यादा आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है अप्लाई करते रहें अब अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा काइंडली सेंड इनकी इंग्लिश देखें काइंडली सेंड लिखा है काइंडली सेंड होना चाहिए काइंडली सेंड योर और रेज्यूम एट डी डब्ल्यू पी एसजेएसआर एट द रेट जी मेल डॉट कॉम यह ई मेल आई डी दी गई है इस इसपे सिर्फ बायोडेटा अपडेटेड बायोडेटा भेजना और कुछ भी नहीं भेजना है सेवन्थ मे को एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए तो फोर्टीन में चौदह मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगी सिर्फ इंटरव्यू होगा तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी एकेडमिक सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गए मई की छुट्टियां जून जुलाई से फिर से आपको जॉब मिल जाएगी तो डी डब्ल्यू पी एस जे एस आर एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ई मेल आईडी पर जब भी आप बायोडेटा भेजें तो सबसे पहले तो पीडीएफ में कन्वर्ट करें सिंगल पीडीएफ में स्कैन करके और दूसरी चीज क्या है कि सब्जेक्ट लाइन में जो ई मेल की सब्जेक्ट लाइन होती है उसमें जरूर लिखें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज टीजीटी इंग्लिश एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश एट डेली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल जमशेदपुर तो सब्जेक्ट लाइन क्लियर रहेगा तो उनको समझ आएगा कि कोई एप्लीकेशन है टीचिंग uh, पोस्ट के लिए और तब वो उसको रिसीव करेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे सब्जेक्ट लाइन खाली नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी या जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वही भरना चाहिए अभी आपने स्क्रीनशॉट आई होप ले ली होगी हर सेक्शन को मैंने अच्छे तरीके से स्क्रीन दिख, uh, पर दिखाया फिर भी आप एक बार और देख लें पीजीटी टीजीटी रिसेप्शनिस्ट एंड डांस आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर नीचे हाउ टू अप्लाई एंड एड्रेस एक बार स्कूल वेबसाइट अगर फिर से देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं ये स्कूल वेबसाइट है बिल्डिंग आपको मैंने दिखाया डी डब्ल्यू पी एस जमशेदपुर स्कूल बिल्डिंग तो ये स्कूल की मेन कैंपस है और वेबसाइट पर तो बाकी पिक्स वगैरह इमेजेस वगैरह रहते हैं जो उनके फंक्शन वगैरह के इमेजेस वगैरह हैं ये लोगों है इनका